अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि MB सिंधी फॉन्ट्स हम अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है गूगल के ऊपर, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपके पर्सनल लैपटॉप के ऊपर, और वहाँ पर आपने सर्च करना है भुरगड़ी.com। ठीक है, ये भुरदुरी हो गया, भुरगड़ी है, चलो ये खुद ही ढूंढ के बता देगा, देखते हैं। तो इंटरनेट सही काम कर रहा हो तो ये खुल गई भुरगड़ी.com, नहीं खुली बल्कि थोड़ा सा गलत फॉन्ट की वजह से इसको मिला ही नहीं, मैंने क्या लिख दिया, BRU ये आ गया भुरगरी.com, इस पे जाना है। और यहाँ से आगे अब्दुल माजिद भुरगड़ी, इस पे क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी जहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है। क्या क्या डाउनलोड करना है वो अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ से नीचे आएंगे, कह रहा है कि अगर आपको सिंधी के फॉन्ट्स डाउनलोड करने हैं, मतलब ये लिखने का स्टाइल, तो यहाँ क्लिक कर लें, और इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो यहाँ इंस्टॉल कर लें। पहले आपने यहाँ क्लिक करना है, इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। जैसे यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई आप हमारे पास से डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको लिनक्स के लिए, यूबंटू के लिए, और विंडोज़ कौन सा है, एप्पल के लिए और विंडोज़ के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इधर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आएंगे तो कह रहा है अगर आपके पास विंडोज 7 है कंप्यूटर में तो ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, और अगर विंडोज 10 है, 11 है तो ये वाला सॉफ्टवेयर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद हमें यहाँ पे नजर आएगा 8, 10, 11 वगैरह के लिए, 11 पे जाएगा। अब जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये मैंने डाउनलोड करके रख रखा है यहाँ से, तो ये आपको ऐसा नजर आएगा, मैंने यहाँ पे इसको रख रखा है इस फोल्डर के अंदर, तो ये देखें ऐसा नजर आएगा आपको। तो ये देखें, ये जो है विंडोज 10 और 8 और 10 और 11 के लिए है, और ये जो है विंडोज भी आ रहा है। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, मेरे पास चूंकि विंडोज 10 है, मैं विंडोज 10 पे इंस्टॉल करूंगा। तो इस पर डबल क्लिक करना है, ये खुल जाएगा, इस पर डबल क्लिक करना है, क्लोज। यहाँ पे सेटअप फाइल होगी, इस पर डबल क्लिक करना है, ये लॉन्च हो जाएगा सेटअप। या फिर पूछ रहा क्या करूँगा, आपने कहना है भाई इंस्टॉल हो जाओ, इंस्टॉल हो गया हूँ। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे एकदम नजर नहीं आएगा आपको सिंधी का, एक दफा रीस्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अभी मैं रीस्टार्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या करना है वो देखिए। अब ये तो इंस्टॉल हो गया, इसका कीबोर्ड का लेआउट आपने यहाँ से लेना है, इसी में राइट बटन दबाएंगे, एक्सट्रैक्ट टू स्पेसिफाइड फोल्डर, और डेस्कटॉप पे क्लिक करके ओके कर देना है, जस्ट टू ऑल कर देना है। तो इसका कीबोर्ड लेआउट जो है आपके पास यहाँ पे नजर आ जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ अपने डेस्कटॉप को, है कहाँ है कहाँ है, ये देखिए ये कीबोर्ड लेआउट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये समझने के लिए। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आके ये जो आपने इंस्टॉल कर लिया है, अब आपको सिंधी के फॉन्ट्स को इंस्टॉल करना है। दूसरा तरीका, सिंधी के फॉन्ट्स आपको यहीं पे मिलेंगे, जैसे किसी वेबसाइट पर आएंगे, दोबारा से बैक करेंगे, यहाँ से फिर से बैक करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो ये कह रहा है सिंधी फॉन्ट। तो सिंधी फॉन्ट के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे नीचे सिंधी फॉन्ट के ऊपर, और ये हेडिंग स्टाइल खुल गया। तो काफी सारे फॉन्ट्स हैं सिंधी के, लेकिन मैं बताता चलूँ कि सिंधी का प्योर फॉन्ट है जो आपको अखबार जहां में मिलता है, उसका नाम है MB लतीफी। ये फॉन्ट आप जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा और भी फॉन्ट इन्होंने बनाए हैं, MB नरगिस ये फॉन्ट भी है, तो इस पर क्लिक करते हैं, कैसे डाउनलोड होगा ये देखिए, ये भी डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। और इसको मैंने यहाँ से ओपन किया फोल्डर को, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया है MB नरगिस, राइट बटन दबा रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, मैंने अपना फोल्डर बनाया हुआ है, आप भी ऐसे अपना फोल्डर बना लेंगे सिंधी फॉन्ट्स के नाम से, और उसमें ले जाके इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया MB नरगिस। तो मेरे पास MB लतीफी मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ है, MBL के नाम से डाउनलोड हुआ हुआ है, MB अहमद भी मैंने डाउनलोड कर रखा है, और MB नरगिस भी मैंने अभी डाउनलोड किया है। अब इसको राइट बटन दबाएंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। ठीक है, ये देखें MB नरगिस फॉन्ट आ गया, और राइट बटन दबाएंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, तो ये आपका एक्सट्रैक्ट हेयर MB अहमद फॉन्ट भी इसी में आ जाएगा, MB हो गया। और MB लतीफी के लिए भी एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, ये भी आ गया। ये तीनों फॉन्ट्स आपके सामने आ गए। याद रखें, ये फॉन्ट्स की मेन फाइल्स डाउनलोड की थी, उससे जो हमने फाइलें निकाली हैं TTF फाइल होती है फॉन्ट्स को इंस्टॉल करने की। अच्छा, और फॉन्ट्स भी डाउनलोड करने हैं तो ये देखें बहुत सारे ढेरों ढेर इनके स्टाइल भी दिए हुए हैं, करते रहे डाउनलोड और इंस्टॉल करते रहे, अपने पास नाम याद रखिएगा उनके। अब कैसे इंस्टॉल करेंगे इनको, तीनों को एक साथ करना है, एक एक करके करना है, आपके ऊपर डिसाइड करना है। तीनों को एक साथ करना है तो पहले इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल का बटन दबा के होल्ड करो, दूसरे को सेलेक्ट करो, तीसरे को सेलेक्ट करो, किसी भी एक पर राइट बटन दबा के क्या कर लो कॉपी। इसके बाद स्टार्ट का बटन दबाओ, यहाँ से कंट्रोल पैनल टाइप करो, और यहाँ पे कंट्रोल पैनल में चले जाओ। कंट्रोल
कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पर आप सर्च करोगे फॉन्ट्स, ये इस तरह से नजर आएगा कैटेगरी वाइज, तो इसको आप क्लिक करेंगे और कहेंगे लार्ज आइकन, यहाँ पे फॉन्ट्स का फोल्डर मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे खुल जाएगा और इस पर राइट बटन दबा के पेस्ट कर देंगे और यहाँ से यस कर देंगे, ठीक है इंस्टॉल हो रहा है, हो गए। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो एक दफ़ा पीसी को आप अपने रीस्टार्ट करेंगे और रीस्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी सिंधी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिंधी का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं भी रीस्टार्ट कर लेता हूँ।